यहाँ पर हमें प्रॉब्लम में क्या दरकार है, टेन अल्फा इज इक्वल टू पी बाई क्यू एंड बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई सिक्स, एंड अल्फा एक एक्यूट एंगल हमको दे रखा है, तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है पी टाइम्स कोसेक ऑफ टू बीटा माइनस क्यू टाइम्स सेक ऑफ टू बीटा। तो देखते हैं इसकी कैसे कर सकता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था, तो हमने यहाँ पर टेन अल्फा की वैल्यू दे रखी है। यदि आप ट्राइंगल बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर टेन अल्फा पी बाई क्यू दे रखा था और यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू पी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगी, एंड कोस अल्फा की वैल्यू क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगी। और कोसेक टू बीटा को वन अपॉन साइन टू बीटा लिख सकता है, सेक टू बीटा को वन अपॉन कोस टू बीटा लिख सकता है। और हमने क्या किया है, ऊपर नीचे अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मैंने ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ पी और क्यू बचेगा, और आप देखेंगे तो सेम एक्सप्रेशन आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया है, तो इस क्वांटिटी को पहले ऐसे लिखा है और फिर ऐसा लिखा है, तो ये आप समझ सकते हैं, सिंपल है ये। तो अब इसको हमने क्या निकाला था, साइन अल्फा, और इसकी वैल्यू क्या निकाली थी, कोस अल्फा, वो यहाँ पे ठीक ही है। अब यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो यहाँ पर साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन अल्फा माइनस टू बीटा आएगा, तो ये आ गया। और अल्फा को हम सिक्स बीटा लिख सकते हैं, तो उसके यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो साइन फोर बीटा से साइन फोर बीटा कैंसिल हो जाएगा। ये साइन फोर बीटा कैसे बना यहाँ पे, क्योंकि साइन टू अल्फा क्या होता है, टू साइन अल्फा कोस अल्फा, तो अब यहाँ पे साइन टू बीटा कोस बीटा दे रखा था और हमने ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर फिर ये टू साइन टू बीटा कोस टू बीटा बन जाएगा, तो उसको साइन फोर बीटा लिख देंगे। और अल्फा के लिए सिक्स बीटा हमने प्लेस ही की थी, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये बच जाएगा जो कि डी ऑप्शन। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं।